हेलो बच्चों, कैसे हो? होप एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करते होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वित्तलम एकेडमी, विच इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ भावेश पटेल। आज हम लोग इस वीडियो में वी विल सॉल्व चैप्टर नंबर 8 लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन नंबर 19 to 30 ऑफ SOF इंटरनल साइंस मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इट विल हेल्प यू टू सॉल्व क्विकली, इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल, sharpness and smartness, perform better in Olympiads and other competitive exams. So let's solve one by one. Question number 19. The number of slanting lines in the given figure. यहाँ पे एक figure दिया है जिसमें slanting lines कितनी है वो हमें find out करना है. तो basically there are four types of line. This is sleeping lines, horizontal जिसको बोलते हैं. Then this is स्टैंडिंग लाइन, देन उसके बाद ऐसे इंक्लाइन रहती है उसको स्लैंटिंग लाइन्स बोलते हैं, देन देयर इज अ कर्व, करेक्ट? सो कर्व लाइन्स, या तो इसको हॉरिजॉन्टल भी बोलेंगे, इसको वर्टिकल भी बोलते हैं। स्लीपिंग लाइन्स हॉरिजॉन्टल लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन्स वर्टिकल लाइन्स, स्लैंटिंग लाइन्स जिसको बोलते हैं इंक्लाइन लाइन्स। ये आप जब आगे स्टैंडर्ड में जाएंगे तो पढ़ेंगे, है ना? चलिए, बट अभी हम लोग स्लैंटिंग लाइंस यानी ऐसी लाइंस फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गई पहली, फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। फिर ये तो कर्व लाइन है, ये वाला तो नहीं गिना जाएगा, दिस इज कर्व लाइन, करेक्ट? सो फोर, अभी तक फोर हुई। फिर ये वाली जो लाइन है वो कौन सी है? तो इट इज स्लिपिंग लाइन, तो वो भी काउंट नहीं करेंगे, वो नहीं काउंट कर सकते हैं, बराबर। देन दिस इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ। फिर ये जो लाइन है वो स्लिपिंग लाइन है, तो वो भी काउंट नहीं करेंगे। तो अभी तक कितने हो गए? सिक्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे है सेवन एट, ये दो है सेवन एंड एट। फिर ये जो है वो तो स्टैंडिंग, तो दैट वी विल नॉट काउंट। देन एट के बाद नाइन टेन, सो दिस टू मोर, सो टोटल हो गई टेन। फिर ये वाली जो लाइन है वो क्या है? कर्व लाइन। सो देयरफॉर जो स्लैंटिंग लाइंस है वो टेन है, सो आंसर इज डी। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। यहाँ पे चार पिक्चर है, कैरेट, देन ये वाला जो है वो रेडिश, देन ओनियन एंड वाटरमेलन। उसमें ऑड वन आउट देखना है, तो ऑड वन आउट में देखेंगे तो देखो ये जितने भी है, ये फर्स्ट थ्री कैरेट रेडिश एंड ऑनियन, दे आर वेजिटेबल्स। और आपका जो ये जो बनता है, मतलब फार्मिंग होता है, वो जमीन के अंदर होता है। वाटरमेलन भी जमीन के अंदर ही होता है, बराबर, बट इट इज फ्रूट। दिस ऑल थ्री आर वेजिटेबल्स, दिस वन इज फ्रूट, देयरफॉर ऑड वन आउट इज डी। नेक्स्ट, अ रैट नीड्स टू रीच टू द चीज। यहाँ पे एक रैट है जिसको ये चीज के पास पहुंचना है। द गिवन फिगर शोज द पॉसिबल वेज दैट रैट कैन टेक। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबल डिफरेंट वेज है जो रैट उससे जा सकता है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज आर देयर फॉर रैट टू रीच टू द चीज। कितने डिफरेंट वेज है जो रैट चीज तक पहुंच सकता है। तो चलो मान लो मैंने ये ए दे दिया, ये बी है और ये सी है, ठीक है? तो ये एक रास्ता है, या तो इसको भी अलग अलग ऐसे नाम देते हैं, ये बी, देन डी ई एफ, फिर
ये सी जो है वो एंड है, चीज है, ये स्टार्ट पॉइंट है. देन एफ के बाद जी एच आई जे के. तो ये देखो, सपोज ये ए बी लिया, ये वाला यहां तक पहुंच गया, मिडल तक. फिर उसके बाद उसके पास कितने ऑप्शंस है, तो ये फर्स्ट, ये एच वाला सेकेंड, ये आई वाला थर्ड, ये जे वाला फोर्थ, ये के वाला फिफ्थ. यानी यहां से स्टार्ट किया, बी वाला रूट लिया, तो उसके पास पांच ऑप्शन है, जी एच आई जे के. यानी बी बी जी, या फिर बी एच, या फिर बी आई, या बी जे, या बी के से जा सकता है. उसी तरह उसने सपोज ये डी वाला रूट लिया, तो डी का भी फाइव ऑप्शन मिलेगा. कौन सा मिलेगा? डी जी, डी एच, डी आई, डी जे एंड डी के, ऐसे पांच ऑप्शन मिलेगा. उसी तरह जब वो ई वाला लेगा तो भी पांच मिलेगा, ई जी, ई एच, ई आई, ई जे एंड ई के. देन एफ वाला लेगा तो भी पांच मिलेगा. दैट मीन्स उसको टोटल कितने मिलेंगे? 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 5 = 20. 20 यानी सी. चलिए नेक्स्ट. देर इज अ सर्टन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ एज इज टू. इसको एज इज टू प्रोपोर्शनल बोलते हैं. डबल कॉलन कॉलन. आइडेंटिफाई द रिलेशंस एंड फाइंड द मिसिंग फिगर्स एज इज टू. देखो यहां पे ये ट्रायंगल है, एक सर्कल है, प्रोपोर्शनल. ये जो है वो कॉलन प्रोपोर्शनल, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर. यानी थ्री साइड्स, ट्रायंगल के कितने साइड है, तो वन टू एंड थ्री, थ्री साइड्स बिकम्स फोर साइड. और जो सर्कल है वन, वो हो गया टू. मतलब जो फिगर है उसकी एक साइड बढ़ती है, इंक्रीज होता है, और सर्कल भी एक नंबर में इंक्रीज होता है. सेम एज यहां पे देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव साइड्स है, तो सिक्स साइड्स का बनेगा. जो भी फिगर बनेगी उसकी सिक्स साइड्स होगी. और सर्कल जो होगा, यहाँ पे थ्री है तो सर्कल जो होगा वो कितने होंगे? फोर होंगे. तो लेट अस सी, दिस इज फोर सर्कल, बट साइड कितनी है? वन टू थ्री फोर. तो ये नहीं हो सकता, सिक्स साइड्स चाहिए. सर्कल कितने हैं? वन टू थ्री फोर. यस. साइड्स कितनी है? तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट. तो ये भी नहीं हो सकता. सर्कल कितने हैं? तो फोर. साइड कितने हैं? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स. सो आंसर इज सी. चलिए डी में देख लेते हैं. दिस इज फोर सर्कल, साइड कितनी है? वन टू थ्री फोर फाइव ओनली. देयरफॉर डी भी नहीं हो सकता. सो आवर आंसर इज सी. नेक्स्ट. देर इज अ सर्टेन रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर ऑफ फिगर्स ऑन द आइदर साइड ऑफ डबल कॉलन. Identify the relations and find the missing figure. तो देखो यहां पे ये जो है इज सेम एज दिस. तो एक सर्कल है ब्लू कलर का, इज प्रपोर्शनल टू, देर इज अनदर सर्कल बिगर वन आउटसाइड में, सेम शेप का सर्कल, सर्कल का सर्कल बट बिगर साइज, हैव अ डिफरेंट कलर. कलर कौन सा हो गया है? तो ऑरेंज कलर. बाकी ये जो सर्कल है वो ही उतना ही रहेगा, सिर्फ ये एडिशनल हो रहा है. तो यहां पे क्या होगा? ये स्क्वायर ग्रीन ही रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा, और एक दूसरा स्क्वायर बनेगा आउटसाइड में जो उससे बड़ा होगा, प्लस कलर इज डिफरेंट. तो ये देखो, ये तो बीच में ब्लैंक, यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता. ये तो कोई कलर ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता. यहाँ पे ग्रीन कलर और बड़ा कलर, तो सी. यहां पे क्या है? ग्रीन कलर और बड़ा कलर, बट गैप है. देखो ये गैप, इट इज नॉट जॉइंट.
So our answer is C. Next. There are blank equal groups of four colors pen each. कितने ग्रुप्स है जिसमें चार कलर का पेन ईच होगा? तो लेट अस सी. सो दिस इज फर्स्ट ग्रुप, ये हो गया डिफरेंट कलर का सेकेंड ग्रुप, ये हो गया थर्ड ग्रुप, ये हो गया फोर्थ ग्रुप, फिर ये हो गया फिफ्थ ग्रुप और ये हो गया सिक्स ग्रुप. मतलब छह ग्रुप बनेंगे. सो आवर आंसर इज ए. देयर आर सिक्स इक्वल ग्रुप ऑफ फोर कलर पेन्स ईच. नेक्स्ट, विच फिगर विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न? यहां पे देखो, ये सर्कल को फोर पार्ट्स में इक्वल किया है, मतलब कट किया है, जिसमें वन फोर्थ पार्ट हमें फाइंड आउट करना है. तो वन फोर्थ पार्ट कैसा रहेगा? एक पैटर्न है, इनसाइड में एक ट्रायंगल बनता है जो ग्रीन कलर का रहेगा, करेक्ट? यहां पे जो ग्रीन कलर है उसके जैसा ट्रायंगल बनेगा. फिर शेप लुक्स लाइक दिस. ये बीच वाला जो रहेगा वो रेड कलर. दैट मींस ये देखो, ये ऑप्शन ए में ये पहला ही ग्रीन कलर एक ही है, बाकी तो कोई है ही नहीं. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. और आउटसाइड में येलो कलर, करेक्ट? तो वही चीज यहां पे है. सो दिस इज द आंसर. सो आंसर इज ए. नेक्स्ट, इफ टॉय बाइक इज रिमूव्ड फ्रॉम द अरेंजमेंट गिवन बिलो, देन विच आइटम इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड? अगर मैंने टॉय बाइक कहां पे, ये वाला, इसको मैंने रिमूव कर दिया, तो कौन सी फिफ्थ आइटम फ्रॉम द लेफ्ट साइड से है? तो ये हो गया राइट साइड, दैट मींस दिस साइड इज अ लेफ्ट. तो यहां से फिफ्थ, तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ. सो दिस इज द आइटम. सो आइटम इज डी, मिल्क बॉटल. Next, if apple is called as pineapple, pineapple is called as mango, mango is called as orange, आज के लिए, then which one is king of the fruit? So king of the fruit क्या रहता है? Mango. तो आज के लिए हम लोग mango को क्या बोल रहे हैं? Mango is called as orange. तो king of the fruits जो mango होता है उसको हम लोग आज क्या बोलेंगे? ऑरेंज बोलेंगे. सो ऑरेंज बोलेंगे मतलब डी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज मिसिंग इन द गिवन फिगर? कौन सा शेप है जो ये फिगर में नहीं है? ऑप्शन क्या है? ट्रायंगल. चलो ट्रायंगल है तो यस इट इज देयर. सो ट्रायंगल इज देयर. सर्कल है तो सर्कल तो हमें दिखता नहीं है, तो सेमी सर्कल है, तो सर्कल क्वेश्चन मार्क करते हैं. चलो स्क्वायर है तो यस दिस इज द स्क्वायर. यहाँ पे ये भी है ना, तो स्क्वायर इज अवेलेबल. रेक्टेंगल है तो यस, ये देखो ये डोर का फ्रेम जो भी है, सो इट इज ऑल्सो द. देयरफॉर सर्कल इज द आंसर विच इज नॉट देयर, करेक्ट? सो ऑप्शन बी. नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ फाइव कैप्स ईच कैन बी फॉर्म फ्रॉम द गिवन कैप्स? नीचे दिए गए कुछ कैप्स है, उसमें से कितने पांच कैप्स के ग्रुप्स बना सकते हैं? कितने ग्रुप्स? तो लेट अस मेक 1, 2, 3, 4 एंड 5. ये देखो एक ग्रुप बन गया फर्स्ट, ये फिर दूसरा ग्रुप पांच पांच के, तो ये सेकेंड, ये थर्ड, फिर ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ. दैट मीन्स हम लोग पांच ग्रुप बना सकते हैं. सो आंसर इज 5. दैट मीन्स ऑप्शन ए. नेक्स्ट,
Find the missing number if same rule is followed in all the three figures. Missing number ये है, हमें वो find out करना है अगर same rule follow करते हैं तो. चले पहला वाला जो figure है A, उसमें क्या rule है, ये 17 कैसे आया तो पता करते हैं. ये 6 है, ये 4 है, तो 6 plus 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा. 10 plus 5 करेंगे तो 15, 15 plus 2 करेंगे तो 17. That means ये सबके बीच में एडिशन हो रहा है. क्या ऐसा ही सेकेंड फिगर में है? लेट अस सी. 2 में प्लस किया 7 तो 9 आ गया. 9 में प्लस किया 3 को तो 12 आ गया. 12 में प्लस किया 10 को तो यस 22 आ गया. दैट मीन्स सबके बीच में एडिशन करना है. तो चलो वील ऑल्सो डू द एडिशन. 2 प्लस 3 तो क्या आएगा 5. फिर 5 प्लस 6 तो क्या आएगा 11. देन 11 प्लस 5 तो क्या आएगा 16. सो आंसर इज 16 मीन्स ए, ऑप्शन ए. सो दैट्स ऑल अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 टू 30, चैप्टर नंबर 8, लॉजिकल रीजनिंग ऑफ एसओएफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. वंस अगेन मायसेल्फ भावेश पटेल फ्रॉम विथलम एकेडमी. For any query, doubt, suggestions, you can reach us via mail. Our mail ID is withalamacademy@gmail.com. That is withalamacademy@gmail.com. So thank you and wish you all the best.